वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं आ चुकी हूँ कि ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर के जिसे सुन के आप लोग भी बोलेंगे कि यार सच में अच्छे भूत भी होते हैं। तो आज की स्टोरी है अच्छे भूत की। हमने बहुत भूतों की बेइज्जती मान ली है, अब अच्छे भूत की स्टोरी सुनेंगे आज। तो ये कहानी है एक कॉलेज की, जहाँ पे कॉलेज ट्रिप जाने वाला था एक कैंप के लिए एक जंगल में। तो ये स्टोरी शुरू होती है राकेश, जो कि अपने कॉलेज का टॉपर होता है। तो वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपने कॉलेज के साथ एक ट्रिप पर जाता है, जो कि कैंप में जाने वाले होते हैं। तो राकेश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, हर कोई एक्साइटेड होता है कहीं ना कहीं जाने के लिए या कहीं ना कहीं घूमने के लिए। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कहीं जाने के लिए। तो वो लोग ठंड के वक्त जाते हैं, यही नवंबर दिसंबर के वक्त जाते हैं। तो जब वो लोग जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। तो वो लोग कैंप लगाते हैं, तो राकेश और उसके चार फ्रेंडों को लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाना पड़ता है। तो राकेश और राकेश के जो फ्रेंड्स होते हैं वो जंगल की तरफ जाते हैं। तो जंगल जो होता है ढलान में से, ढलान होता है ना ऐसे करके, ऐसे जो भी होता है ऐसे ये ढलान होता है। तो ना ढलान में काफ़ी सारी लकड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे होते हैं। तो वो लोग जंगल घूमने के लिए नीचे उतर जाते हैं। करीब शाम के 4 बज रहे होते हैं और उस समय बहुत ही काले बादल हो रखे होते हैं, तो बारिश भी होने वाली होती है, उनको ऐसा लगता है। तो उससे पहले वो लकड़ियाँ ढूंढ कर रख लें। तो तभी वो लोग लकड़ियाँ लेकर आते हैं, और मतलब लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं, सॉरी आते नहीं है, जाते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। तभी बारिश होने लगती है बहुत तेज़। तो राकेश गीला होने लगता है और वो अपने कैंप से, मतलब जो उसका वो होता है कैंप होता है, उससे काफ़ी दूर होता है। तो वो नीचे ही, मतलब वो सोचता है कि मुझे कहीं पे कोई घर दिख जाए जंगल में, या मैं पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊँ, घने पेड़ के नीचे, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होती है। उसके फ्रेंड्स लोग आगे निकल जाते हैं और वो उसी में फ्लावर्स वगैरह देखने के चक्कर में पीछे रह जाता है। तो तभी उसको एक घर दिखता है, काफ़ी अच्छा होता है बाहर से, क्योंकि वो बारिश से धुल चुका होता है ऐसा कहते हैं। तो वो अंदर जाता है, तभी उसको एक नर्स दिखती है, तो एक सिस्टर मिलती है उसे बाहर। तो सिस्टर बोलती है बेटा तुम अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो वो कहती है नहीं आप अंदर आ जाओ। तो वो अंदर आता है तो कहती है कि आपके कपड़े काफ़ी गीले हैं, आप जाके फटाफट से कपड़े चेंज कर लो, आप राइट साइड जा करके आपको एक कैबिन मिलेगा, वहाँ पर आप मेरा नाम लेना रिया सिस्टर, वो आपको साफ सुथरे कपड़े दे देगा, आप चेंज कर लो। तो वो कहते, वो डरता है, तो वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं क्या करूं, बारिश इतनी तेज़ हो रही है बाहर। तो वो फिर जाता है, तो वहाँ पे उसको पीछे से कोई ना उसके कंधे पे से हाथ रख देता है और वो डर जाता है। और वो कहते, तो वो पीछे मुड़ के कहता है कौन, तो उसको एक आर्मी ऑफिसर दिखता है उसके पीछे। तो वो उसको देखता है और बोलता है कि आप कौन। तो कहता है मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। तो वो कहता है मेरा नाम राकेश। तो कहता है अच्छा तुम्हारा नाम राकेश है, कहते तुम यहाँ पे कैसे आए। तो उसने बोला कि मुझे बाहर सिस्टर मिली थी, तो उसने मुझे बोला कि तुम यहाँ से कपड़े चेंज कर लो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो कैप्टन बोलता है कि हाँ आप ठीक, आप चेंज कर लो, फिर आ करके वॉशरूम में चेंज कर लेना, मेरे साथ चलो। तो वो वहाँ से कपड़े लेता है, तो वहाँ पे भी ना उसको बहुत अजीब सा एक आदमी दिखता है जो कि उसे कपड़े देता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुस्त होता है, तो उसे कपड़े देता है, तो वो लेकर के अंदर आता है। तो कैप्टन बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करा देता हूँ और कुछ खा पी लूँ। तो बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बारिश के रुकते मैं वापस चला जाऊँगा। तो कैप्टन कहता है इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें जाने की। तो वो कहता है कि नहीं मेरा कैंप है पास में ही, तो मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ट्रिप पर आए हुए हैं। तो कहते हैं डोंट वरी, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं तुम्हें अपने जीप से सही सलामत वहाँ पर छोड़ कर आऊँगा। तो राकेश बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद राकेश वॉशरूम में जाता है, अपने कपड़े चेंज करता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि ना खून के निशान और खूनों के छिट्टे दीवार पर पड़े हुए हैं। और ना वो जब शीशे में खुद को देखता है तो उसका आधा सर गायब होता है, बस उसका शरीर दिखता है, बट जो उसका जो सर होता है ना वो कटा हुआ होता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, वो बाथरूम से भागते हुए आता है और बोलता है कि क्या, वो बोलता है कैप्टन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोलता है क्या हुआ, कह रहा है कि मैंने बाथरूम में खून के छिट्टे देखे और जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसमें मेरा शरीर तो दिख रहा है लेकिन जो मेरा सर है वो गायब है। तो कैप्टन बोलता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। तो वो कहता है नहीं मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैंने खुद को 3 से 4 बार उस शीशे में देखा है। तो कैप्टन बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो कहता है क्या कह रहे हो आप, मुझे क्या पता चल गया। तो कैप्टन बोलता है कि तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे क्या हुआ। तो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कैप्टन कहता है कि सुनो, कहता है मैं यहाँ पर
एक मिनट नहीं रुकूंगा, मुझे अभी इसी बारिश में मैं किसी भी हालात में जाऊं, लेकिन मैं अपने कैंप जाके अब अपनी सांस लूंगा, मतलब मैं मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं कि चैन की सांस लूंगा, तो कहता है मैं वहां जाने के बाद चैन की सांस लूंगा, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो वो भागता है, तभी कैप्टन अपने मतलब जो भी है भूतिया तरीके से गेट को बंद कर देता है और गेट वो खोल नहीं पाता है राकेश। तो वो कहता है गेट खोलो गेट खोलो, तो वो कैप्टन बोलता है मुझे पता है कि तुम अपने कॉलेज के टॉपर हो। तो वो कहते हैं आपको कैसे पता, कहता है कि मैं भूत हूँ। तो अब राकेश और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो कहता है तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुम मेरी इस दुर्घटना की कहानी सुन लो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं सुन लेता हूँ। तो वो बैठता है, तो उसको बोलता है कि करीब 10 साल पहले की बात है। तो वो कहता है कि आप 10 साल पहले से मरे हुए हो। तो वो हंसने लगता है और उसकी हंसी बहुत अजीब होती है, जिसे राकेश देख के कुछ ज्यादा ही डर जाता है। तो कैप्टन उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हमारे यहाँ पे आर्मी के लोग यहाँ पे आते थे, जो भी घायल होते थे, क्योंकि ये आर्मी हॉस्पिटल है। तो कहते हैं आर्मी हॉस्पिटल ये तो बाहर से घर जैसा दिख रहा है। तो वो कहता है कि हाँ ये घर जैसा दिख रहा है लेकिन अंदर इसमें हॉस्पिटल है। तो वो कहता है अच्छा। फिर उसके बाद वो कहता है कि जब यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब बहुत ही ज्यादा अटैक हुए थे, हम लोगों ने जहाँ पे गोलियां बंदूक किसी पास के जंगल में ही आतंकवादी आ गए थे और हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा एक साथी वहाँ पे गायब हो जाता है। तो फिर वो बताता है जो कैप्टन होता है कि हम लोग जब गए थे अपने अपने ही एक साथी को ढूंढने, तो हमें कहीं नहीं मिलता है। फिर हम लोग आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ना हमारे ही साथी उसको लेकर आ गए, बट उन्होंने वो रूप ले रखा होता है हमारे ही देश के कपड़े पहन करके, दूसरे मुल्क के लोग हमारे हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। उसके बाद हम उसको एडमिट करते हैं, हर कोई खुश हो जाता है और जांच पड़ताल नहीं करता कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ भी नहीं करता। तभी वहाँ पे कितना बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जो पूरा कपड़ा जो हॉस्पिटल है वो उड़ जाता है, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। तो वो कहता है ये तो सब कुछ नॉर्मल है, तो अच्छा खासा घर है, मस्त है, ये कैसे उड़ सकता है। तो तभी वो बोलता है कैप्टन, तो वो हंसने लगता है, उसकी बात को इग्नोर करता है और अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और कहता है कि बेटा तुम्हें सब कुछ लग बेटा मतलब यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हुआ इसीलिए बाथरूम में वो खून के छिट्टे और वो शीशे में ऐसा दिखता है, क्योंकि सब कुछ ही काल्पनिक है। तो कहता है कैसे काल्पनिक है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, हर कोई नॉर्मल है। तब उसका जवाब देता है कैप्टन, जब वो दोबारा ये चीज़ बोलता है तो कहता है यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये सब कुछ बिल्कुल एक खंडर है। तो तभी वो बेहोश हो जाता है, और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तो कैप्टन उसको अपनी जीप में बिठाता है और उसके कैंप तक छोड़ कर आता है। जब उसकी आंखें खुलती है राकेश की, तो वो पाता है कि उसके सर और उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं उसके सर के ऊपर खड़े हैं। तो वो कहता है अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो वहाँ पे था, कैप्टन के साथ था, आर्मी कैप्टन के साथ था। तो कहते हैं आर्मी कैप्टन के साथ, कह रहे हाँ आप उसके साथ ही थे बेटा, लेकिन वो अभी अभी आपको अपनी जीप से ना छोड़ के गए। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि ना चलो जंगल में चलो, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, इस जंगल में ना एक घर है। तो सब लोग उसके साथ जाते हैं जितने भी कैप्टन होते हैं। तो वो देखता है ना वहाँ पे सब कुछ खंडर है, ना तो वहाँ पे कुछ है और ना ही मतलब सब कुछ खंडर है, वहाँ पे लिखा हुआ है आर्मी हॉस्पिटल। वो पूरा का पूरा चौक जाता है और अचानक से झटका लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो अपने सर को वो सारी कहानी सुनाता है और सर भी उसकी बात पर बिलीव करते हैं और कहते हैं बेटा यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कुछ, और वहाँ पे डेट भी लिखी होती है, कुछ 10 साल पुराना है वो, उस खंडर को 10 साल हो गए। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और राकेश फिर उस दुर्घटना को मतलब बहुत सालों तक याद रखता है, और आज भी जब वो उसके बारे में सोचता है, उस कैंप और ट्रिप के बारे में सोचता है, तो उसको बहुत डर लगता है। लेकिन खुशी की बात ये है कि वो आत्माएं अच्छी थी, जिसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उसकी हेल्प करी, बारिश रुकने के बाद उसको सही सलामत उसके कैंप तक छोड़कर आए। तो ये थी अच्छे भूत की कहानी, जिससे राकेश को ये समझ में आया कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी अच्छे भूत वाली, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, और मेरी वीडियो आती है हर वीक जिसे आप देख कर एंजॉय कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।